पहाड़ों के बीच पहुंचने वाले। अभी हम पहुंचे नहीं है वैसे, काफी लेट हो गया हमें। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज है हमारी एनिवर्सरी, तो जिसका भैया पूरे साल भर से इंतजार था, मतलब इस बार हमारी 5वीं एनिवर्सरी है। और मतलब का 5 साल हमारे कैसे बीते, अभी हम लोग मिलके बैठ के बात करेंगे। तो आपको भी बताएंगे कि कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कितना अच्छा मेरे को लगा, कितना अच्छा ममता को लगा, और क्या क्या चीज़ें उसने मेरे से सीखी और मैंने उससे सीखी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं उससे, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। तो बाकी हम लोगों के बीच लड़ाई झगड़े वगैरह हुए, सब सारी चीज़ें नॉर्मली रहती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो भी हुए हैं, बट ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग ना शांति से सुलझा लेते हैं। मैं भाई ममता को देने वाला था सरप्राइज़, क्योंकि मैं केक वगैरह लेके आ गया था, और मैंने सोचा कि यार केक सरप्राइज़ तो दे दूँगा कि मैं रात को 12 बजे उठ के विश कर रहा हूँ। तो भाई हुआ क्या ना, अपने साथ एक कांड हो गया। मैं मतलब 11:50 हो रहे थे, सॉरी 55 मिनट हो गए थे, 11:55 हो गए थे। और एक्चुअली क्या हुआ था ना, ममता भी उठी हुई थी, तो मैं थोड़ी देर, मैंने कहा यार थोड़ी देर सोने का बहाना बनाया था, तो ममता को भी नींद, मतलब ममता भी सो जाएगी, और उसके बाद मैं जल्द उठ के तुरंत क्या उठाऊँगा और एनिवर्सरी विश कर लूँगा। तो भाई ये देखो, ये केक वेक निकाल के ना मैंने यहीं पर बैठ के बिल्कुल बगल में रख दिया था कि तुरंत उठ के मैं विश करूँगा, बट भाई मेरे को तो ना नींद आ गया 5 मिनट पहले। और मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, मेरे को कई बार हो चुका है, कई बार ऐसा कांड मेरे साथ हो चुका है। तो फिलहाल अभी चलते हैं बाहर को और मम्मी लोगों से भी लेते हैं आशीर्वाद। आज जलाओ फिर बंद भी कर दिया करो बेटा। अब नमस्ते, शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। धन्यवाद पापा। रोनी, रोनी आज क्या है? नमस्ते, थैंक यू मम्मी। तभी तो जाएंगे होटल में। रोनी आप भी तो बोलो, लो बोलो तो, नहीं बोल रहे हो ना? हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे तो मैंने पहले बोल दिया, लेकिन कैमरे के आगे अभी बोल रहा हूँ। रात को उठा के बोल दिया था ना तुमको? कब बोला? बज गए 9:30। ये देखो इन दोनों का भैया घमासान चल रहा है यहाँ पे कपड़े पहनाने को लेके, और ये पहनने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। रोनी जाना नहीं हमारे साथ नंगू कर का। तो फिलहाल भैया हमने मैंने नहा धो लिया है, और अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम रेडी होंगे, जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। तो हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और रोनी भी रेडी हो चुका है। तो अभी ना हम लोग जाने वाले हैं एक बढ़िया सी लोकेशन में, एक बढ़िया सी जगह में, एक खूबसूरत सी जगह है पहाड़ों के बीच। तो चलते हैं हम लोग, तो वहीं के लिए हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो वहीं पे थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत इन्जॉय वगैरह कर लेंगे, थोड़ी एनिवर्सरी वगैरह, मतलब हल्का फुल्का हो जाएगा। और बाकी वो तो खैर जो एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं वो तो फैमिली के साथ ही मनाएंगे रात में। बाकी अभी हमारे साथ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि योगेश को ऑफिस जाना है, और दीपिका की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो भी नहीं जाएगी। मम्मी पापा तो खैर वैसे ही नहीं जाते, तो अभी हम 3 लोग ही जा रहे हैं बस। तो उसमें से तो ये तो रेडी हो चुका है। हेलो। और ममता अभी हो रही है रेडी, है देखो बढ़िया तरीके से यहाँ मेकअप वेकअप चल रहा है, और उसके बाद फिर मैं भी होता हूँ रेडी, फिर मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। तो गाइज मैं हो गया हूँ रेडी, और अब चलते हैं हम लोग। चला जा रोनी, जल्दी आओ, फटाफट चल रहे हैं हम लोग, आओ। तो हम तो रेडी हो गए हैं, ममता अभी हो रही है, तब तक हम चलते हैं बाहर, गाड़ी वगैरह निकाल लेता हूँ। हेलो, ये लो खोलो। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं, और अब हम लोग जाते हैं सीधे एक बढ़िया सी लोकेशन में, आपको दिखाना है कि क्या है वहाँ पे बढ़िया, क्योंकि हमने ना यार काफ़ी दिनों से हम ढूंढ रहे थे कि इस बार एनिवर्सरी में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो जगह हमको मिल गई है, और अब मतलब कैसी होने वाली है, मतलब उसको तो हमने ना वीडियो में देखा, और खाली मतलब वैसे हमने उसके बारे में हमने जाना है, बाकी अभी अच्छे से मालूम नहीं है उसके, बाकी तो वो चीज़ें वहाँ जाने के बाद ही मालूम चलेंगी कि वो कैसी है और कैसा रहेगा उसके अंदर, और मतलब कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे लिए है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो जगह कैसी होगी, मतलब बिल्कुल ना कुमाऊनी कल्चर में है और बहुत ही बढ़िया जगह है। तो चलते हैं अब वहाँ को।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी में, और ये हल्द्वानी के हम लोग ना एक काठगोदाम को सीधे मिलती है रोड, कौन सी जगह है जो मुखानी के पास से निकलती है, उस रोड से हम लोग आ गए हैं। बाकी अभी चलते हैं आगे को और आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइज अभी ना जिस कैमरे से शूट हो रहा है, तो ये कैमरा मेरे को मिला था गिफ्ट, ममता ने मेरे को एनिवर्सरी का गिफ्ट एडवांस में दे दिया था एक महीना या डेढ़ महीना पहले गिफ्ट मिल गया था। तो भैया काफ़ी अच्छा लगा मेरे को गिफ्ट, और इसी से हम अपने एनिवर्सरी का, यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो इसी से हम अपने एनिवर्सरी का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे को, पहाड़ों के बीच पहुंचने वाले, अभी हम पहुंचे नहीं है वैसे, काफ़ी लेट हो गया हमें सब इनके कारण। तो अभी इस टाइम पे हम हैं काठगोदाम में, और काठगोदाम से हम जाएंगे सीधे नैनीताल वाली रोड में, और नैनीताल के पास एक, मतलब नैनीताल से पहले एक जगह पड़ती है दो गांव, तो उस दो गांव में है दो बहुत ही बढ़िया जगह, दो गांव के पास में बहुत ही बढ़िया जगह है, तो उस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मेरी तरफ अगर आप कैमरा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप ही की तरफ किया है मैंने। हाँ, तो दो गांव के पास ना बहुत ही बढ़िया जगह है, उस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं और उसको करेंगे एक्सप्लोर। तो कितना बढ़िया रहने वाला है वो तो वहीं जाके पता चले, क्योंकि एक जगह तो मैं पहले ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ, बट मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं वहाँ का, उस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं करी थी। और बाकी दूसरी जगह पे वो एक नई जगह खुली हुई है, तो वो देखते हैं वो कैसी रहती है। बाकी हाँ क्वेश्चन करिए, दो गांव क्यों पड़ा? एक्चुअली वहाँ पे काफी टाइम पहले मात्र दो गांव हुआ करते थे, तो इस वजह से वहाँ का नाम दो गांव पड़ा।